हेलो, हेलो अस्सलाम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। सलाम, आ गए आप लोग? सब मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा खान हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल आई थिंक कर रहे थे, कहाँ गया ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने परफॉर्म किया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ ले। इसका हमने ए पार्ट कर लिया था, बी कर लिया था, सी मैंने आपको होमवर्क दिया था। दो पार्ट कर लिए थे, एक मैंने होमवर्क दिया था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको मैंने कल असाइनमेंट्स भेजे हैं, वो मिल गए आप लोगों? जी सर, ओके, ये असाइनमेंट्स सारे के सारे वैसे ही सबमिट होंगे जिससे पिछला हुआ था, मींस दैट स्लेट पर। तो अब कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोग वंस जमा करवा चुके हैं तकरीबन सारे, एक दो ही शायद बचे थे। वो मैं देख लूंगा कौन थे, तो उनको मैं नाम कॉल कर लूंगा उनका। तो ये आपको सबमिट करना है, ठीक है? और स्लेट पे ही आप लोग करेंगे, अगर ईमेल करेंगे तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये आप सबमिट करवा दीजिएगा। अच्छा, जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस है ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई इसको पैराग्राफ लिखना है, बस जस्ट टू टू थ्री लाइंस। इसलिए मैंने उसके लिए इतना कोई खास टाइम नहीं दिया आपको, टू टू थ्री लाइंस, वो इससे ज्यादा नहीं है। और वो सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेक्चर एक दफा रिवाइज करेंगे तो उसके आंसर आप खुद ही दे देंगे, बुक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो सब 2 से 3 लाइनों के जवाब है, इससे ज्यादा का जवाब नहीं है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जैसे इंटर में करके आते थे आप लोग, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन सेक्शन बी, तो वही चीज है ये, बिल्कुल 2-3 लाइनों के ये जवाब है। कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई जब मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम तो बता दिया करो, अगर कोई मसला है तो हम उसको उसको डील कर लेंगे ना मसले को। कोई इशू नहीं सर, हो जाएगा? जी आसान है वो, मुश्किल नहीं है। अगर आप देखेंगे 2 से 3 लाइन के हैं, और वो दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल है, वो भी आसान है। खैर, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल होता है, वो आपको करना है। अच्छा जी, क्या मैसेज किया है आपने यार? अब अटेंडेंस हो गई है, अब अटेंडेंस का मैसेज ना करो, बाद में देखो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये स्पीड कंट्रोल। यार ये शहरयार हुसैन, तो टाइपिंग कर रहे हो जी तुम? सर। क्या टाइप कर रहे हो तुम? सर मैं गूगल पे असाइनमेंट का, या कबूतर बिठाया हुआ है तुमने? अच्छा नहीं नहीं सर, मैं गूगल पे असाइनमेंट का देख रहा था जो आपने मेल अच्छा भेजी है तो ना। म्यूट करके देखो ना, वो आवाज यहाँ तक आ रही है तुम्हारे टाइपिंग मुझे की। पता नहीं था कि नहीं है। चलो खैर, स्पीड कंट्रोल इन कम्युलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर। तो ये बात हमने कल डिस्कस की थी कि जो शंट के मेथड्स हैं वो सारे के सारे बड़े ही परफेक्टली हमारे पास सीसी मोटर में इस्तेमाल होंगे, और डिफरेंशियल कंपाउंडेड तो वैसे ही अनस्टेबल है, अनकंट्रोल है, तो उसके लिए तो उसमें तो कोई चीज इस्तेमाल होगी नहीं। देखिए, ये वही 3 मेथड्स हैं, चेंज ऑफ RF, चेंज ऑफ VA एंड चेंज ऑफ RA, जिसमें से पहले दो मेथड्स एफिशिएंट हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स हैं।
तो ये वही तीन मेथड्स हैं, वही पूरा तरीकेकार होगा जैसे कि वहां इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर भी वही तरीकेकार इस्तेमाल करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये मोटर्स का आखिरी न्यूमेरिकल है जो कि एफिशिएंसी से रिलेट करता है। और जरा याद करें, एफिशिएंसी का काम हमने चैप्टर 9 से पहले 8 में किया था, अगर आपको याद हो, जब हमने पावर फ्लो डायग्राम पढ़ी थी। ये पिछले चैप्टर की बात है, अभी जिसका असाइनमेंट दिया मैंने आपको उस चैप्टर की बात है। उस चैप्टर में हमने पावर फ्लो डायग्राम के वक्त हमने लॉसेस पढ़े थे और एफिशिएंसी की बात की थी। और मैंने कहा था अगले चैप्टर में जब हम मोटर पढ़ लेंगे तो फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज वो न्यूमेरिकल आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। शहूद जी सर, जरा रीड करना जरा। A 50 HP 250 volts 1200 RPM shunt DC motor has a rated armature current of 170 amperes and a rated field current of 5 amperes. अच्छा रुको एक मिनट, रुको, इसका डाटा भी बना लेते हैं साथ साथ। देखें अभी जो आपने बातें बताई उसमें से मुझे क्या पता चल रहा है। पहली बात कि ये 50 HP 250 volt, तो इससे मुझे एक बात पता चल गई, मैं डाटा बना रहा हूँ, यहाँ बनाना शुरू करो। मुझे ये बात पता चल गई टर्मिनल पोटेंशियल 250 वोल्ट है, क्या ख्याल है आपका? एक बात पता चली, ठीक है, और 50 HP है, 50 HP का भी इस्तेमाल नहीं तो फिलहाल हम उसको रहने दे रहे हैं, और 1200 RPM शंट डीसी मोटर है। अच्छा एक बात और पता चल गई कि इसका रेटेड करंट कितना है, रेटेड करंट आर्मेचर, तो आप कहेंगे आर्मेचर रेटेड कितना है, 170 एम्पीयर, और इसका फील्ड करंट रेटेड कितना है, 5 एम्पीयर। जी शब्द आगे। When its rotor is blocked, an armature voltage of 10.2 volts exclusive of brushes produces 170 ampere of current flow, and a field voltage of 250 volts produces a field current flow of 5 amperes. अच्छा अब यहाँ रुको, देखो यहाँ पर एक और चीज उन्होंने की हुई है। उन्होंने पहले एक खास बात के लिए किया है कि when its rotor is blocked, तो पहले तो मुझे heading देनी पड़ेगी, blocked rotor, यानी rotor को जो आप block कर लें तो ये चीज इस्तेमाल होगी। अच्छा अब क्या होगी, क्या बताया, an armature voltage of 10.2 volt, यानी armature voltage जब होगा 10.2 volts और वो क्या करेगा, आर्मेचर करंट पैदा करेगा कितना, 170 एम्पीयर, ओके, और फील्ड वोल्टेज होगा 250, ये तो वही है टर्मिनल पोटेंशियल 250 वोल्ट, वही चीज अप्लाई हो रही है ना, तो कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसको हम ना भी लिखे तो कोई समझता नहीं, फील्ड करंट लिख देते हैं, कितना आ रहा है, 5 एम्पीयर, ठीक है जी। ये एक टाइप हो गई, आगे चले, ये ब्लॉक रोटर की सूरत हाल में। अच्छा इसको पहचान करने के लिए हम बॉक्स कर देते हैं ताकि पता चले ये इसका डाटा है। The brush voltage is assumed to be 2 volts. रुक जाओ, brush drop voltage V, ये तो मैंने लिंक कॉपी कर दिया, हाँ V brush drop ना, V BD करते थे ना, brush drop कितना है, 2 volt, आगे चले। At no load with the terminal voltage equal to 240 volts, the armature current is equal to 13.2 ampere. The field current is 4.8 ampere and the motor's speed is 1150 RPM. अच्छा देखो ये एक और कंडीशन दी हुई है, इसको मैं यहाँ मैं हेडिंग दे रहा हूँ, उसको नो लोड की कंडीशन दी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से करना आप सबने। इस नो लोड की कंडीशन में क्या क्या चीजें दी हुई है आपको, आपको कहा टर्मिनल पोटेंशियल अब 240 वोल्ट है, देखो बदल गया है नो लोड पर, ये आपको दे दिया, आर्मेचर करंट फिर बदल गया नो लोड पर कितना है, 13.2 एम, और क्या चीज है, फील्ड करंट भी बदल गया कितना है, 4.8 एम, और नो लोड की स्पीड कितनी है, 1150 RPM। ये डाटा इसका आ गया नो लोड का, तो इसको भी हम बॉक्स कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये नो लोड का डाटा है, ठीक है जी। जी शाह,
पार्ट ए हाउ मच पावर इज आउटपुट फ्रॉम दिस मोटर एट रेटेड कंडीशंस पार्ट बी व्हाट इज द मोटर्स एफिशिएंसी तो अगर पार्ट बी सिर्फ लिखा होता ए लिखा ही ना होता कि व्हाट इज द मोटर एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इसका मतलब एफिशिएंसी निकालनी हो तो पार्ट ए तो करना ही पड़ेगा ना क्या ख्याल है बात समझ में आई भाई एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट पावर और ओवर इनपुट तो एफिशिएंसी के लिए इनपुट भी निकालनी और आउटपुट भी और पार्ट ए में कह रहा आउटपुट निकालो तो मतलब पार्ट बी अगर सिर्फ लिख के दे दूं मैं सवाल पार्ट ए तो ऑटोमेटिकली आ गया ना उसके अंदर क्या ख्याल है आपका सही कह रहा हूं जी सर तो चले फिर इसको स्टार्ट करते हैं आउटपुट पावर भी निकालेंगे और ये दीगर चीजें भी करनी है तो जरा बताएं कैसे करें कुछ मुझे आइडिया दें जी कैसे करें या फिर टाइपिंग शुरू कर दिए किसी ने है अच्छा जी इसको सबसे पहले तो आप ये करें कि आपको एफिशिएंसी निकालनी है आउटपुट पावर निकालनी तो पहले आप लॉसेस देखें कि लॉसेस कितने हैं क्योंकि आउटपुट पावर आप कैसे निकाल सकते हैं आप आउटपुट पावर निकालेंगे चले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आउट पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी आउट बराबर है पी इन माइनस पी लॉस लॉसेस कर लें बल्कि ये फॉर्मूला है ये आपने पढ़ा भी था तो इसका मतलब पी इन निकाल लें और पी लॉसेस निकाल लें तो आपका आउटपुट पावर निकल आएगी और एफिशिएंसी भी फौरन ही निकल आएगी क्योंकि वो होता है आउट ओवर इन ठीक है तो हमें लॉसेस भी निकालने हैं और इनपुट पावर भी निकालनी है तो बताएं क्या करें पहले इनपुट पावर निकाल लें पहले इनपुट पावर निकाल लेते हैं चलें पी इन बताएं क्या होगा इनपुट पावर रेटेड पे निकालना है रेटेड पे तो रेटेड पे आप क्या कहेंगे कि इनपुट पावर सर क्या होगा जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो करंट आ रहा है बताएं सही लिखा फॉर्मूला देखिए शंट मोटर है ये शंट मोटर है ये ध्यान में रखना तो शंट मोटर का इनपुट देख लो आप क्या होगा अगर याद नहीं है तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको शंट मोटर की डायग्राम बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें अरे यार ये तो सीरीज मोटर से शुरू हो रहा था चले कंपाउंडेड में देख लेते हैं कंपाउंडेड भी शंट होती है देखें इस कंपाउंडेड में आप एक काम करें ये एल और एस को भूल जाएं इस एल और एस को भूल जाएं समझे यहाँ शॉर्ट पाथ लगा हुआ है समझे यहाँ पर ये ऐसे शॉर्ट पाथ है ये मोटर ही शंट बन जाएगी ये चीज नहीं लगी तो शंट है तो शंट का इनपुट क्या है वीटी और इनपुट क्या है आईएल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इनपुट पावर बन जाएगी क्या ख्याल है भाई आपका बोले जी सर ओके तो आगे चलते हैं सवाल की तरफ ये तो मैंने इनपुट पावर का ये फॉर्मूला लिखा तो जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रही है इनपुट पावर जल्दी से बताइए पी इन कितना आ रहा है जी बताइए भाई पीन कितना आ रहा है जल्दी बता दो सर 43750 वॉट्स 43750 वॉट बाकी लोग देखें ये सही कह रहे हैं 43750 वॉट कैसे क्या शाहूद वीटी क्या रखा 250 वोल्ट्स बिल्कुल ठीक और आईएल आईएल तो 175 कैसे क्योंकि आईएल होता है आर्मेचर और फील्ड करंट का सम तो 175 एम्पीयर यहाँ बच्चे गलती करते हैं पेपर में 170 एम्पीयर लिख देते हैं सिर्फ ये फील्ड करंट 5 एम्पीयर भूल जाते हैं और सवाल गलत कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक 43750 वॉट बिल्कुल सही शाहूद वेरी गुड अच्छा अब हमें पी निकाल लिया तो अब हमें निकालने पी लॉसेस वो निकाल लेंगे हम माइनस करेंगे हमारा सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा तो जरा याद करें अपना पिछला चैप्टर के लॉसेस कौन कौन से होते थे याद है एक क्या था कॉपर लॉस कोर लॉस दूसरा क्या था फ्लक्स वीकनिंग नहीं एक कॉपर लॉस था और
वो जो फोल्ड लॉस ब्रश ड्रॉप वी से कर लेते चले या पी कर लेते हैं, ब्रश ड्रॉप लॉस, और तीसरा क्या था? कोर और मैकेनिकल, इसको हम एक ही कैटेगरी में लेंगे, कोर प्लस मैकेनिकल। और क्या था चौथा लॉस? क्या था? स्ट्रे लॉस। याद आ गया, ये हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, हमने ये सारे लॉसेस पढ़े थे। तो सबसे पहले कॉपर लॉसेस निकालिए। कॉपर लॉसेस कहाँ होंगे बताएं? आप कहेंगे सर दो रेसिस्टर हैं, फील्ड रेसिस्टर और आर्मेचर रेसिस्टर, उन पर जो चीज ड्रॉप होती है उसको कॉपर लॉस कहते हैं। सही कह रहा हूं मैं? तो I स्क्वायर R लॉस होता है। तो आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टर पे कौन सा करंट होगा? आर्मेचर करंट। तो आई ए स्क्वायर आर ए, और फील्ड करंट, फील्ड पे कौन सा होगा? फील्ड करंट जाहिर है, आई एफ स्क्वायर आर एफ। अब आर ए और आर एफ की वैल्यू बताइए क्या है, क्योंकि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट तो है हमारे पास, तो हम अभी निकाल लेते हैं। बताएं फील्ड करंट, फील्ड रेजिस्टर और आर्मेचर रेजिस्टर की वैल्यू क्या है? दिए में क्या आपको? जल्दी से बताइए भाई सवाल। आर एफ 50 ओम्स आ रहे। अरे दिया हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं दिया ना। और आर्मेचर दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया। इट मींस ये निकालने पड़ेंगे, ये आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है? तो आर एफ तो आपने सही निकाल लिया, वो चले पहले लिख रहे थे आर एफ। आर एफ क्यों सही निकाल लिया? क्योंकि वो हमारे पास वी टी ओवर क्या आ जाएगा? आई एफ, क्योंकि इनकी वैल्यूज एक ही जैसी हैं, तो ये 5 ओम आ जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन आर ए कैसे निकालेंगे? आर ए की कोई चीज नहीं दी हुई, तो उसके लिए ब्लॉक रोटर, ये जो डाटा दिया है ये आर ए और आर एफ निकालने के लिए दिया था, तो आपने पहले निकाल लिया आर एफ, चले ठीक है। ये ब्लॉक रोटर डायग्राम देखें, ब्लॉक रोटर से क्या मुराद है जरा समझें इस बात को। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है कि आप चलती मोटर का अगर रोटर रोक दें, चलती हुई मोटर में रोटर को किसी सूरत ब्लॉक कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर? सबसे पहले चीज क्या होगी कि जब रोटर ब्लॉक होगा तो हम एक बात कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ओमेगा जीरो हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? सही कह रहा हूं कि नहीं? जल्दी से बताएं। यस सर। भाई रोटर ही रुक गया तो ओमेगा तो है ही नहीं ना, ओमेगा जीरो। और अगर ओमेगा जीरो हो गया तो क्या फिर ईए जीरो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ईए होता है के फाई ओमेगा, हो जाएगा। हेलो भाई, होगा कि नहीं? होगा सर। और केवीएल की इक्वेशन क्या थी आपके पास शंट मोटर की? वी टी इक्वल टू ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए। तो जब ई ए जीरो हो गया तो क्या बचा आपके पास? वी टी इक्वल टू आई ए इंटू आर ए। यहां से आप आई ए कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा रोटर ब्लॉक रोटर का आपको लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर वी टी हम इस्तेमाल करें या वी ए इस्तेमाल करें? क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ही वी टी है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्लॉक रोटर डायग्राम में डाटा दिया हुआ है आप उसको इस्तेमाल करें 10.2 डिवाइडेड बाय, और आपको क्या दिया हुआ है आर्मेचर करंट कितना दिया है ब्लॉक रोटर में? अच्छा हमें आर ए निकालना है ना, आइए थोड़ी निकालना है, आर ए निकाल लेना, आर्मेचर रेजिस्टर लिखना था यहाँ पे। तो ये आ गया 10.2 डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट कितना दिया है 170। इसके बराबर आ रहा है ये 0.06 ओम। एग्जैक्टली ये आपका डाटा है, ये आर ए है और ये आर एफ है, तो ये इसीलिए दिया था आपको ताकि आप ये दोनों कैलकुलेट कर सके। तो ये दोनों आपने कैलकुलेट किए ब्लॉक रोटर, ये हेडिंग के साथ करिएगा ब्लॉक रोटर और फिर ये कैलकुलेट किया। अब कॉपर लॉस ई ए RF 50 ओम आ रहा था, सॉरी RF R 50 ओम मैंने, अच्छा मैंने ये लिख दिया, चलें ठीक है। पहले आर्मेचर की पावर जरा निकालें, मैं वो समझ लेता हूं, ठीक है। आर्मेचर की पावर निकालें या इसको ऐसे लिख लेता हूं, कॉपर लॉस ऑफ आर्मेचर, ये ज्यादा बेहतर होगा। कॉपर लॉस ऑफ आर्मेचर फार्मूला क्या है? आईए का स्क्वायर आर ए, आई का स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है। तो आई ए कितना दिया हुआ है?
रेटेड में देख लें, रेटेड में, क्योंकि रेटेड पावर निकालनी है, कितना दिया हुआ है रेटेड में? 170 एम्पीयर। अच्छा ब्लॉक रोटर को नहीं देखना, ब्लॉक रोटर का काम खत्म। 170 एम्पीयर का स्क्वायर इनटू जी बताइए कितना ही आ रही है? 1734 वॉट। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी वो जरा रेक्टिफाई कर लो, ये क्या था, 5 नहीं है, कितना है? 50 ओम है। ठीक है, इसी तरीके से जरा जल्दी से वो भी निकाल लें, पावर ऑफ कॉपर लॉस ऑफ फील्ड किसके बराबर होगा, कितना रेटेड कितना है? 5 है। यस सर। 5 स्क्वायर इनटू 50 जी कितना आ रहा है? 1250 1250 वॉट। ठीक है, ये कॉपर लॉसेस आ गए सारे? यस सर। अगर चाहे तो इसको एक ओवरऑल लिख लें, पावर कॉपर लॉस टोटल कर लें, तो दोनों को ऐड कर दें, 1250 1734 कितना होगा? मैंने किया नहीं, आप बताएं, ऐड करें। टू नाइन एट फोर वॉट्स ये आ गई आपके पास कॉपर लॉस की चीज। अब आए दूसरे लॉस की तरफ चलते हैं, ब्रश ड्रॉप लॉस। ठीक है जी, ब्रश उसको जरा हम लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ब्रश ड्रॉप लॉस ये किसके बराबर होता था? आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, वी ब्रश ड्रॉप, ब्रश ड्रॉप इनटू आर्मेचर करंट, क्योंकि आर्मेचर से गुजरता है ये। ठीक है ना, आर्मेचर पे लगे होते हैं ना ये, रोटेटरी तो आर्मेचर है, फील्ड तो स्टेशनरी है, तो फील्ड पर नहीं होता, सिर्फ आर्मेचर पर होता है। तो बताएं कितना आ रहा है? रेटेड इस्तेमाल करेंगे, रेटेड सारी चीजें रेटेड होंगी, क्योंकि उसने कहा था हाउ मच पावर इज आउटपुट फ्रॉम दिस मोटर एट रेटेड कंडीशन, तो रेटेड लिखना है। तो बताएं कितना आ रहा है रेटेड, कितना? 170 एम्पीयर, ये रेटेड दिया हुआ है। 340 वॉट, दूसरा भी आ गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा और चौथा एक साथ है, यानी ये तो पांचवा हो गया ना, तीसरा चौथा ये था, तो तीसरा ही कह रहे हैं, चलिए इसको कोर प्लस मैकेनिकल, तो ये हम इकट्ठा निकालेंगे और इनको हम कहते हैं, इसको लिख लीजिए, कोर प्लस मैकेनिकल लॉसेस आर कंसिडर्ड एज रोटेशनल लॉसेस, लिख लीजिए, कोर प्लस मैकेनिकल लॉसेस आर रोटेशनल लॉसेस। ओके, अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए ये डाटा दिया है, ये नो लोड का डाटा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो नो लोड डाटा दिया हुआ है बेसिकली ये इस काम के लिए दिया था, इसलिए मैंने दो बॉक्सेस बनाए थे, ब्लॉक रोटर का एक काम था जो हम कर चुके हैं, दूसरा काम है नो लोड, ये रोटेशन लॉसेस के लिए है। अच्छा आप देखें, हम रोटेशन लॉसेस निकालने जा रहे हैं नो लोड पर, तो नो लोड पर आपके पास स्पीड कितनी आ रही है पढ़ें? 1150 आरपीएम, और रेटेड पर स्पीड कितनी है? 1200 आरपीएम। तो ये जो स्पीड है ये कोई इतनी ज्यादा वेरी नहीं करी है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई हो, कि नो लोड और रेटेड स्पीड बहुत ज्यादा फर्क हो गया हो, तो लॉसेस में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम लॉसेस निकालेंगे नो लोड पर और उसको इस्तेमाल करेंगे रेटेड पर, क्योंकि आपने पावर जो निकालनी है वो रेटेड पे निकालनी है, तो हम निकालेंगे नो लोड से और उसको इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे, तो जाहिर है रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम तो नहीं होंगे, क्योंकि आपने यहाँ निकाला यहाँ नहीं निकाला, यहाँ ये इसलिए दिया था कि यहाँ हम निकाल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास स्पीड का डिफरेंस नहीं आ रहा, 1150 आरपीएम और 1200 आरपीएम में इतना फर्क नहीं, तो इसका मतलब ये कि रोटेशन लॉसेस में जो फर्क आ रहा होगा वो भी इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम नो लोड पर निकाल कर उसको फुल लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास नो लोड की स्पीड उसने हमें दी हुई है कितनी है? 1150 आरपीएम। ओके, तो अब बात यह है कि जब आपके पास कोई लोड ही ना हो, ये इसलिए दिया था कि आप अब निकाल लेंगे आराम से, जब आपके पास कोई लोड ही ना हो फिर भी जो पावर खर्च हो रही होती है तो वो किसके लिए होती है? तो आप समझ सकते हैं कि भाई जब मेरे पास लोड नहीं है तो मेरे पास कॉपर लॉसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मेरे पास बाकी तमाम लॉसेस एग्जिस्ट ही कर रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं? दो किस्म के लॉसेस,
एक वो जो जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ओपन भी कर दें तब भी कोर लॉसेज एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आपने ओपन सर्किट टेस्ट से परफॉर्म करके फाइंड आउट किया था, याद है आपको ट्रांसफार्मर के चैप्टर में, याद है ये चीज, नो लोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया था, याद है? हेलो जी सर, ओपन सर्किट टेस्ट का क्या मतलब था? नो लोड, तो वहां पर हमने नो लोड करके सिर्फ कोर लॉसेस निकाले थे, ठीक है, वो तो घूमता ही नहीं था। यहां पर हम जब नो लोड करेंगे तो हमारे पास दोनों किस्म के लॉसेस आ जाएंगे, कोर प्लस मैकेनिकल लॉसेस, क्योंकि बेशक लोड नहीं लगा हुआ मगर चूंकि वो घूम रहा है तो एयर विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो लोड लगा दूंगा ना तो हमारे पास जो पावर खर्च हो रही होगी वो पावर रोटेशन यानी कि मैकेनिकल लॉसेस को एनकाउंटर भी कर रही है, वो कोर लॉसेस को एनकाउंटर भी कर रही है और लोड को एनकाउंटर भी कर रही है, तो इसलिए हमने नो लोड कर दिया कि भाई अब कोई चीज नहीं रहेगी, तो अब सिर्फ जो एनकाउंटर कर रही होगी वो दो ही चीजें रह जाएंगी, कोर और मैकेनिकल। अब आप कहेंगे सर इनको सेग्रीगेट करें, कोर को अलग करें मैकेनिकल को अलग करें, तो भाई हमें अलग करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इन द एंड क्या करना है, तमाम लॉसेस को ऐड करना है, क्योंकि हमें पी आउट निकालना है, पी इन माइनस पी लॉसेस, तो जब हमें सारे लॉसेस को ऐड ही करना है तो फिर इन दोनों को सेग्रीगेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें तो एंड में ऐड ही करना है, तो हम इकट्ठा निकाल लेते हैं। नो लोड पर हमारे पास जो लॉसेज एग्जिस्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोर वाले होंगे और विंडेज वाले होंगे यानी फ्रिक्शनल, तो मैकेनिकल प्लस कोर लॉसेस। तो अब आप पावर निकाल लीजिए जब आपके पास नो लोड हो तब, तो कितनी आएगी नो लोड की पावर निकालें, पी नो लोड, नॉट कर देते हैं इसको, चले ये आउटपुट से आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये, लेकिन पी इन नॉट, ठीक है, इनपुट पावर एट नो लोड, ये कर रहा हूं मैं, इनपुट पावर एट नो लोड, क्या फॉर्मूला होगा, इनपुट पावर एट नो लोड, आप कहेंगे सर वी टी इंटू आई ए, देखिए इसमें मैंने आई एल नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि फील्ड करंट तो फील्ड पैदा कर रहा है, उसका काम नहीं है वो, तो एक अलग चीज है, आर्मेचर है मेन चीज, कि आर्मेचर आपके पास क्या दे रहा है, तो जरा निकालें कितना आ रहा है, और डेटा इस्तेमाल करेंगे नो लोड का 3168 वॉट, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास रह जाता है आखिरी स्ट्रे लॉस, तो याद रखें स्ट्रे लॉस आपको यहाँ गिवन होगा, कोई बात बताई गई होगी, हमने पढ़ा हमें कहीं नहीं मिला, हमने कहा यार स्ट्रे तो बताएं, तो याद रखें जब स्ट्रे ना बताया जाए तो डिफॉल्ट में स्ट्रे हमेशा इनपुट पावर का 1% होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसलिए अगर आप पेपर में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये क्या होगा 1% ऑफ पी इन, तो बताइए कितना आ रहा है पी स्ट्रे, बताइए स्ट्रे कितना आ रहा है, क्या ये आएगा 1%, जल्दी से बताओ 1%, ये 1/100 कर दो ना तो 43 यही होगा ना पॉइंट, इधर आ जाएगा, सही कह रहा हूं जी। चलिए अब आप तमाम लॉसेस को ऐड करते हैं, तमाम लॉसेस को ऐड करते हैं जिसमें स्ट्रे आएगा, मैकेनिकल प्लस रोटेशनल जो कि ये निकाला था ये आएगा, कॉपर लॉसेस आएंगे, सबको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है, ब्रश ड्रॉप लॉस भी है, कितना आ रहा है भाई, जल्दी से बताइए, ऐड करना है आप लोगों ने सिर्फ 6930 watts. चलिए यहां तक कर लिया, अभी मुझे नहीं पता ये सही निकाला कि नहीं, आंसर मेरे पास है, तो आउटपुट पावर बताएं कितनी आई, आउटपुट पावर कैसे निकलेगी, फॉर्मूला मौजूद है पी इन माइनस पी लॉसेस,
3688 to 0.5 volts. बिल्कुल सही आंसर, ये आंसर है मेरे पास लिखा हुआ, तो ये आंसर आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये आपका एक आंसर आ गया पहला 36,820.5 वॉट। दूसरी चीज आपने एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा, आप खुद ही बता दें एफिशिएंसी इन परसेंटेज कितनी होगी। जी कितनी आ रही है? एटी फोर पॉइंट टू परसेंट। बिल्कुल सही आंसर, ये एफिशिएंसी आ गई। कैसे आई? आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट भी है इनपुट भी है, तो जाहिर एफिशिएंसी निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले होते हैं, क्योंकि जाहिर है इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है जी, पावर निकाल ली और एफिशिएंसी निकाल ली। ओके, ये सॉल्व हो गया, और ये हमारी हमारा आखिरी क्वेश्चन था मोटर्स का। इसके बाद मोटर्स का टॉपिक खत्म, आखिरी टॉपिक हमारा रह जाता है जनरेटर्स, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप पहले बताएं, ये टाइम तो ओवर ही होने वाला है, तो हम नेक्स्ट क्लास से फिर जनरेटर स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ जनरेटर रह जाएगा हमारा, यहाँ से चार से पांच पांच क्लासेस में छात्रा हो जाएगा जी। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा ये ओवरलैप कर गया यहाँ पर, ये पता नहीं कैसे कर गया, ये देख लीजिएगा। इसमें कोई सवाल है बताएं, कोई मसला हो जो समझ में ना आया हो? ठीक है, इसको रब कर दूं? नोट कर लिया आप लोगों ने? जी रब कर दूं इसको? हेलो, अच्छा जी, खैर मैंने ये कहा था कि हमारी आखिरी स्लाइड है, तो ये हमारे पास टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, और आखिरी असाइनमेंट जो होंगे वो दो होंगे, मोटर से और जनरेटर से, या तो एक ही बना दूंगा बड़ा होगा, या फिर दो और बना दूंगा, एक मोटर का और एक जनरेटर का। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, वीकेंड है आपके पास, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे लास्ट हमारा टॉपिक जनरेटर्स का। ठीक है, और असाइनमेंट जरूर कर लीजिएगा, हाँ असाइनमेंट जरूर कर लीजिएगा, और डेट पर सबमिट करिएगा। कुछ सवाल किसी का? नहीं तो फिर क्लास में एंड कर रहा हूँ जी। क्लियर है बात सबको? चलें, कोई अटेंडेंस का तो नहीं रह गया था बच्चा? हो गई सबकी? जल्दी जल्दी बता दो, मेरी अटेंडेंस लगा दें सर। मेरी भी नहीं करो, नाम बताओ जल्दी से। सर जुनेद सर। सर जुनेद, उनके अटेंडेंस लगाऊं मैं यहाँ पे? जुनेद जुनेद। अच्छा जुनेद, हाँ और